तो हेलो बच्चों, आज हमारा मेटल एंड नॉन मेटल का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम थ्योरी पार्ट कंप्लीट करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से होने वाला है। इससे ऊपर हमने लेक्चर 3 में पढ़ लिया और लेक्चर 2 लेक्चर 1 में। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसे आपने पहले भी पढ़ा होगा क्लास 7 में। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एन एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच मेटल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड। अब कहता है, ऊपर जो हम लोग ने देखा था, कोई भी मेटल को अगर हम एसिड से रिएक्ट करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमारा इवॉल्व होता है। तो उसमें क्या होता है, एक टाइप इधर सपोज करिए यहाँ पे हमारा रहता है, क्या है, ये हमारा एसिड है। एसिड में हमारा H2H आयन छुपा रहता है, इधर कोई हमारा मेटल है। तो इसमें क्या करता है, इसमें तो यहाँ पे साल्ट बनाता है एक्वस फॉर्म में, ये हो गया हमारा साल्ट, प्लस क्या, प्लस हमारा H2 गैस इवॉल्व होता है। तो H2 गैस को क्या किया इस मेटल ने, इस मेटल ने इसको डिस्प्लेस कर दिया, H2 को इसको साइड में ला दिया, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल होगा। ओके, अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। अ रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेसर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इट्स साल्ट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहते हैं, जब कोई हाईली रिएक्टिव मेटल, जब कोई हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर दे किसको, लेस रिएक्टिव को ना, कोई भी हमारा हाईली, जैसे ये हमारा ताकतवर है, ये किसको डिस्प्लेस करेगा। सपोज करिए यहाँ पे 2 आदमी है हमारा, और ये कौन सा, एक मेटल है एक नॉन मेटल है, तो ये कौन सा मेटल को डिस्प्लेस करेगा, जो इसके कमज़ोर होगा, बोलेगा तू जा यहाँ से, मैं इसके साथ अपना एक घर बनाऊँगा। तो ये दोनों एक अपना घर बना लेते हैं और इसको साइड में फेंक देते हैं, जो कि हमारा प्लस H2 फॉर एग्जाम्पल, जब एसिड से हम रिएक्ट करवाते हैं कोई मेटल को। तो जो ताकतवर रिएक्टिव मेटल होता है, जो हाईली रिएक्टिव, मतलब सब पोटासियम सोडियम, ये सब हमारा हाईली रिएक्टिव मेटल है। अब कोई भी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस क्यों कर देगा, क्योंकि पोटासियम सोडियम ये सब जो एलिमेंट है वो हमारे हाईली रिएक्टिव हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल के द्वारा क्या बताया गया है एक्टिविटी में हमारा। टेक 50 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर। एक बीकर में हमें 50 ml के लगभग वाटर लेना है। एंड फ्यू क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट ऑफ CuSO4 का, जो CU2SO4 का जो हमारा लेना है, कुछ क्रिस्टल लेना है। ओके, सॉलिड फॉर्म में जो रहता है, अब उसे डिजॉल्व करना है। डीप मैग्नीशियम इवन इन दिस सॉल्यूशन। ओके, अब कहता है क्या, अब कहता है यू विल ऑब्जर्व डैट द ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड एंड आफ्टर सम टाइम्स द सॉल्यूशन बिकम कलरलेस। ओके, तो कहता है, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, एक बीकर लीजिए। ओके, एक उस बीकर में 50 ml ऑफ वाटर रखिए, फिर 7-5 क्रिस्टल ले लीजिए, किसका, हमारा कॉपर सल्फेट, यही ना है, कॉपर सल्फेट का हमारा कुछ क्रिस्टल इसमें ले लीजिए, सपोज करिए ये कॉपर सल्फेट। तो अब इसका ग्रीन क्या रहेगा, अभी इसका ग्रीन ब्लू रहेगा। ओके, ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, कलर से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में पूछ सकता है। ओके, जो हमने ये डाला तो वो ब्लू हो गया, फिर आफ्टर टाइम हमने एक एलिमेंट डाला तो उसका कलर रेस हो गया, तो बताइए वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कलर था। ओके, तो जब इसमें हमने कॉपर सल्फेट दिया तो ये देखिए ब्लू कलर का हो गया। अब क्वेश्चन में आप फिर एक्टिविटी में कहता है, जब हमने मैग्नीशियम रिबन, मैंने बोला था आपको मैग्नीशियम बहुत ही आगे काम आने वाला है, जब मैग्नीशियम रिबन को इसमें हम डिप किए तो इसमें क्या हुआ, ये कलर रेस हमारा हो गया। अब कलर रेस क्यों हो गया, चलिए इसका केमिकल इक्वेशन देखते हैं, इसमें कौन किसको डिस्प्लेस किया। ओके, तो ये हमारा आगे दिया होगा, देखते हैं आगे क्या है इसका केमिकल इक्वेशन। देखिए पहले इसे पढ़ते, दिस हैपन बिकॉज मैग्नीशियम बीइंग ए मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अब कहता है क्या, मैग्नीशियम हमारा कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। देखते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज में क्या होता है। देखिए मैग्नीशियम हमारा यहाँ पे है और कॉपर हमारा कहाँ पे है, इसमें कॉपर यहाँ पे है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, जो मैग्नीशियम हमारा हाईली रिएक्टिव है कंपेयर टू कॉपर, तो मैग्नीशियम किसको डिस्प्लेस कर देगा, मैग्नीशियम हमारा कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। ओके, तो देखिए क्या यहाँ पे, तो दिस हैपन बिकॉज मैग्नीशियम बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर डिस्प्लेस इट फॉर्म्स
कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट जो हमारा था जब इसमें मैग्नीशियम अपना डिजॉल्व किए तो क्या करेगा ये कॉपर सल्फेट को बोलेगा तू जा और मैं मैग्नीशियम के साथ अपना एक घर बनाऊंगा। तो देखिए मैग्नीशियम के साथ अपना घर बनाया, कॉपर जो बेचारा विक था उसे डिस्प्लेस कर दिया। ओके अब जो है हमारा कहता है द मैग्नीशियम सल्फेट फॉर्म इज कलरलेस। अब मैग्नीशियम सल्फेट जब हमारा बनता है वो हमारा कलरलेस बनता है, इसलिए मैग्नीशियम सल्फेट हमारा कलरलेस बनता है। अब देखिए डेट गेट डिपॉजिट ऑन द मैग्नीशियम रिवर, अ कॉपर मेटल जो था हमारा वो मैग्नीशियम रिवर पे जाके अब डिस्प्लेस कर देगा। अब वाकई जो कि जब ये इसके घर में आ जाएगा तो कॉपर किसके घर में आ जाएगा, कॉपर मैग्नीशियम घर में आ जाएगा। तो मैग्नीशियम हमारा क्या फॉर्म था, मैग्नीशियम हमारा रिवर के फॉर्म में था तो कॉपर उसमें आ गया। ओके तो यही सब बात है, ये आपको याद रखना जरूरी होगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछ सकता है, इसलिए आप इसे खास करके लिख लीजिए। साथ ही इसके कलर के साथ जब कॉपर सल्फेट कल सॉल्यूशन रहेगा तो हमें ब्लू कलर मिलेगा, जब मैग्नीशियम सल्फेट हो जाएगा तो कलर रेस मैग्नीशियम एलिमेंट है जिसको डालने के बाद ये कलर रेस हो जाएगा। ये सब आप ध्यान से अगर इसको समझ लीजिएगा तो काफ़ी सारे इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं और उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। ओके तो कहता है दैट दिस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके आप कहते हैं रिपीट दिस एक्टिविटी बाय टेकिंग अ सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड टीपिंग अ कॉपर वायर इन इट, रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन टू द टीचर्स एंड राइट द इक्वेशंस फॉर द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। तो कहते हैं क्या कॉपर सिल्वर नाइट्रेट हमारा एक सॉल्यूशन हो जाएगा कॉपर। तो आप जैसे कि देखेंगे कॉपर हमारा हाईली रिएक्टिव है, कंपेयर टू व्हाट, हमेशा कंपेयर करना है अदर साइड से, कंपेयर टू सिल्वर। तो कॉपर किसको डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर को, तो कॉपर नाइट्रेट यहाँ पे बन जाएगा क्यूपिक नाइट्रेट और यहाँ पे हमारा सिल्वर जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। ओके यही सब है, इसे ध्यान से समझना होगा, आप कॉपी में लिख के बनाइए। आप कहते हैं नोबल मेटल हमारा क्या होता है, नोबल मेटल उसे ही कहते हैं जो हमारा सभी से रिएक्टिव मतलब लेस रिएक्टिव होता है, जिसको हम बहुत ही चीज़ में यूज़ कर सकते हैं इन आवर डेली लाइफ। एज सीन फ्रॉम द रिएक्टिविटी सीरीज प्लेटिनियम इज द लिस्ट रिएक्टिव मेटल। कहता है क्या जैसा कि हमने देखा है कि प्लेटिनियम हमारा लिस्ट रिएक्टिव मेटल है। ओके इट डज नॉट रिएक्ट विथ एयर वाटर एसिड बेस एंड अदर मोस्ट अदर सब्सटेंस। तो कहता है क्या ये जो प्लेटिनियम है हमारा जल्दी ना वाटर से रिएक्ट होता है, ना जल्दी एयर से, ना एसिड और बेसिस से। ओके अनदर मेटल विच शोन अ सिमिलर बिहेवियर इज गोल्ड। इसी के बाद गोल्ड जो था हमारा वो क्या था, देखिए यहाँ पे गोल्ड मैंने बोला था ना आपको, ये तीनों आप याद रख लीजिए, ये तीनों को अधिकतर यूज़ किया जाता है ऑर्नामेंट्स में बनाने के लिए और यहाँ पे तीनों का एग्जांपल भी दिया है। तो कहते हैं उसके बाद गोल्ड एंड प्लेटिनियम कॉल्ड नोबल मेटल बिकॉज दे आर लेस रिएक्टिव मेटल। ओके अब कहता है गोल्ड और प्लेटिनियम जो हमारा वो लेस रिएक्टिव मेटल है इसलिए इसको नोबल मेटल कहते हैं। नोबल मेटल इसलिए कहा जाता है क्योंकि नोबल मेटल, नोबल मतलब क्या, वी आर यूजिंग द गोल्ड एंड प्लेटिनियम वेयर फॉर गोल्ड फॉर ऑर्नामेंट्स, क्यों, क्योंकि वो अगर आप कान में पहनेंगे गोल्ड या कोई भी नाक में कोई भी पहनता है गोल्ड के कोई भी सामान, तो ये गोल्ड का क्यों पहनता है, क्यों नहीं आयरन का पहनता है, क्यों नहीं एल्युमिनियम का पहनता है, इसलिए क्योंकि गोल्ड हमारा लेस रिएक्टिव है। अगर गोल्ड हमारा रहा उसमें एयर वाटर कुछ भी है तो उसमें ना ही रस्ट लगेगा ना कोरोसिन होगा, बट आयरन में लग सकता है। डैट्स वाई सिंस नोबल मेटल आर लेस रिएक्टिव दे आर नॉट केमिकली अफेक्टेड बाय द सब्सटेंस अराउंड देम, हेंस दे आर नॉट, हेंस दे डोंट गेट टर्निस्ट एंड रिटेन देयर लस्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। कहता है कि इसे कोई भी अपने सराउंडिंग से कोई मतलब नहीं है कैसा भी हो, और ये अपना लस्टर काफ़ी लंबे समय तक सस्टेन कर सकता है, उसे खो नहीं सकता। बट एल्युमिनियम ये सब क्या है, इस सबको आप जब गर्म करिएगा बर्तन में यूज़ किया जाता है तो ये कुछ दिन बाद लस्टर अपना खो देगा। ओके बट ये सब प्रॉपर्टी इनमें नहीं है, तो ये भी पैराग्राफ आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी समझना ज़रूरी है आपके लिए। अब कहता है बोथ दीज नोबल मेटल्स आर ऑल्सो हाईली डक्टाइल एंड मेलिएबल। अब ये सब हाईली डक्टाइल एंड हाईली मेलिएबल भी रहते हैं, आपने देखा था 1 ग्राम गोल्ड हमारा 2 किलोमीटर तक डक्टाइल हो सकता है, मतलब 2 किलोमीटर तक उसे थिन वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इंटू एक्सट्रीमली थिन वायर एंड कैन बी बीटन इंटू अ वेरी थिन फॉइल्स। ओके तो ये सब कुछ प्रॉपर्टी हैं इनके, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टीज डेट अ गोल्ड एंड प्लेटिनियम आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। इसी सब विशेषता के कारण गोल्ड और प्लेटिनियम को हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, फॉर मेकिंग ज्वेलरी, तो इसे भी आप ध्यान में रख लीजिए। ओके
आप देखिए आगे जो हमारा बात होने वाली है वो क्या है। प्लेटिनियम इज़ यूज इन डेंटिस्ट्री एंड इन मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए प्लेटिनियम का यूज़ कहाँ होता है, गोल्ड का यूज़ कहाँ होता है, ये आप देख लीजिए। गोल्ड कैन बी ऑल्सो यूज फॉर प्लेटिंग अदर मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर। तो ये आप यूज एक एक याद कर लीजिए क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में। ये देखिए ये है प्लेटिनियम का, प्लेटिनियम जैसे डॉक्टरों का पता नहीं काम आता होगा कुछ डेंटिस्ट में, और यहाँ पे मेकिंग साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट, रॉकेट बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं। तो ये सब प्लेटिनियम जो हमारा जो रिएक्ट नहीं करता है और काफ़ी हीट ज़्यादा भी सस्टेन कर सकते हैं, डैट्स वाई वी आर यूजिंग इट इन अ साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर थिंग्स। अब देखिए गोल्ड को कहाँ पे यूज़ करते, गोल्ड को अब एक मैं बात आपको बताता हूँ। गोल्ड जो है आप जो सोचिएगा, जो मैं गोल्ड का कुछ बनाऊँ ही हाँ या कुछ भी सेक्टर नाक वाला कान वाला, सपोज के लिए गोल्ड का कोई सीता है, उसने गोल्ड का बोला एक कान बोला मेरे को प्योर गोल्ड चाहिए, तो प्योर गोल्ड कभी भी गोल्ड नहीं बन सकता है। ओके, क्योंकि प्योर उसको कुछ स्ट्रेंथ के लिए आपको कॉपर या एल्युमिनियम से मिक्स करना पड़ेगा, कॉपर और सिल्वर से मिक्स करना पड़ेगा, तब उसमें जो है ताकत आएगा, तब आप उसको कोई शेप दे सकते हो। ओके, डैट्स वाई वी मिक्स कॉपर गोल्ड विथ कॉपर और सिल्वर, तो प्योर गोल्ड इज़ वेरी सॉफ्ट। देखिए यहाँ पे लिखा भी है प्योर गोल्ड हमारा बहुत ही सॉफ्ट होता है, देयर फॉर इट कैनॉट बी यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी इन इट्स प्योर फॉर्म। इसलिए इसको हम प्योर फॉर्म ऑफ गोल्ड को ज्वेलरी मेकिंग में यूज़ नहीं कर सकते, हैंस फॉर मेकिंग ज्वेलरी इट इज़ ऑफन मिक्स विद सिल्वर और कॉपर टू मेक इट अप्रोप्रिएटली हार्ड। इसलिए हम इसे गोल्ड को सिल्वर और कॉपर से मिक्स करते हैं ताकि ये हमारा हार्ड हो सके, ताकि इसमें एक स्ट्रेंथ आ सके। ओके, तो ये भी लाइन हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कहते हैं द प्योरिटी ऑफ गोल्ड इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ कैरेट। अब आपको पता करना है यह गोल्ड कितना प्योर है, तो उसके लिए एक मेजर की उसके लिए एक टर्म है, उसको कैरेट बोलते हैं। ओके, द कैरेट नंबर गिव्स अ नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ गोल्ड प्रेजेंट इन 24 पार्ट्स ऑफ द मिक्सचर ऑफ गोल्ड विथ अदर मेटल्स। अब जो कैरेट है हमारा वो बताता है कि 24 पार्ट्स ऑफ मिक्सचर ऑफ गोल्ड विथ अदर मेटल्स। देखिए इस लाइन को ध्यान से समझिए क्या लिखा है वहाँ पे। ओके, कहता है इन 24 द कैरेट नंबर गिव्स द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ गोल्ड। कैरेट जो होता है कैरेट नंबर वो हमें बताता है नंबर 24 पार्ट है कोई, उसमें कितना पार्ट हमारा गोल्ड है। अगर 18 पार्ट गोल्ड रहा तो 18 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड मीन्स 22 पार्ट्स ऑफ प्योर गोल्ड इज प्रेजेंट इन 24 पार्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गोल्ड विथ कॉपर और सिल्वर। ओके, दिस इम्प्लाइज डैट द प्योर गोल्ड वुड बी रेटेड एज 24 कैरेट गोल्ड। तो यही सब आता है, सपोज करिए जो 24 बोलेगा 22 कैरेट गोल्ड है, मतलब क्या 24 पार्ट पार्टिकल्स में से 22 पार्ट पार्टिकल्स हमारा गोल्ड है। ओके, तो यही सब बात है। अब देखिए यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब प्रॉपर्टीज तो हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है क्या यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कहाँ पे मेटल और नॉन मेटल का यूज आता है, और इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी उठते हैं। ओके, देखिए यूज ऑफ कॉमन मेटल, सबसे पहले हम मेटल का देखेंगे। मेटल कैन, देखिए मेटल कैन, मेटल हैव बीन यूज इंट्रिकल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ सिंस एंशियंट टाइम। एंशियंट टाइम से ही हमारा मेटल काफ़ी लम्बों तक हमारा यूज होते आ रहा है इन डेली लाइफ, डे टू डे लाइफ में। दे हैव प्ले अ इम्पॉर्टेंट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट सिविलाइजेशन, काफ़ी सारे सिविलाइजेशन को डेवलपमेंट करने में हमारा इसका मददगार रहा है। इवन टूडे मेटल्स आर यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ पर्पज इन आवर डे टू डे लाइफ। आज भी हम मेटल को अपने डे टू डे लाइफ में काफ़ी सारे तरह से यूज करते हैं मेटल का। द मोस्ट कॉमनली यूज मेटल इज इवन डे टू डे लाइफ आयरन कॉपर एल्युमिनियम एंड सिल्वर। तो ये हमारा कुछ इम्पोर्टेंट मेटल है जो हमारे डे टू डे लाइफ में काम आता है, आगे हम देखेंगे कहाँ कहाँ काम आता है। तो देखिए आयरन इज़ द मोस्ट वाइडली यूज मेटल, आयरन ही काफ़ी ज़्यादा यूज में पाया जाने वाला मेटल है अपने डे टू डे लाइफ में। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग कुकिंग व्हीकल्स, देखिए जब प्रेशर कुकर हमारा बनता है ऐसा वो अधिकतर हमारा आयरन का रहता है, वाटर बॉयलर, स्टोव, टॉयज, टूल्स, पाइप्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, चेन, वायर, नेल, बोल्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड सो ऑन। तो देखिए मैं आपको इसमें बोलना चाहूँगा तो आप कम से कम इसमें 3 या 4 याद कर लीजिए आयरन का यूज। आयरन की यूजेज अगर आप 3-4 याद कर लेंगे तो एग्जाम में अगर पूछेगा तो आयरन का 3-4 यूजेज बताओ आप डे टू डे लाइफ में, तो आप इसमें सेंसर दे सकते हैं कोई भी 3 या 4। ओके, अब देखिए एल्युमिनियम का यूज़ कहाँ आता है। एल्युमिनियम बींग इज़ अ वेरी लाइट मेटल। एल्युमिनियम का आप देखिए एल्युमिनियम का ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स है, दैट्स वाई इट कैन बी आस्क इन क्वेश्चंस।
देखिए एल्युमिनियम बोलता है कि एल्युमिनियम बीइंग अ वेरी लाइट मेटल, एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है जो कि काफ़ी हल्का होता है, इज़ यूज फॉर मेकिंग एयरक्राफ्ट बॉडीज़। देखिए ये जो हमारा एयरक्राफ्ट है इसमें एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स, कुकिंग वेसल्स में यूज़ किया जाता है। इट्स थिन फॉल आर यूज फॉर पैकिंग फूड्स स्टफ्स एंड मेडिसिन। आप देखते होंगे मेडिसिन में एल्युमिनियम का यूज़ किया जाता है। ओके अब कुकिंग जो बच्चों टिफ़िन लाते हैं या कोई भी ऑफिस में जाते हैं तो देखिएगा सिल्वर कलर का रहता है, तो हमारा एल्युमिनियम का ढका रहता है, एल्युमिनियम का वो हमारा बना हुआ रहता है। ओके मेडिसिन वाले सेक्टर में यूज़ करते हैं। कॉपर इज़ मोस्ट वाइडली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल केबल्स, अदर इलेक्ट्रिकल गुड। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कुकिंग वेसल्स। तो कुकिंग मेटल्स का तो कॉपर का यूज़ किया ही जाता है, साथ में वायर एक्सेट्रा। तो काफ़ी इसका जो कॉपर जो है ये हमारा वाइडली जो है किस में यूज़ किया जाता है, फॉर इलेक्ट्रिकल पर्पज, इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी इसका यूज़ किया जाता है फॉर मेकिंग वायर एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। कहता है सिल्वर इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डेकोरेटिंग पीस, टेबल वार, टेबल वेयर एक्सेट्रा। और सिल्वर का हमारा ज्वेलरी डेकोरेशन पीस ये देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे सिल्वर का यूज़ हमारा बताया गया है। ओके तो यही सब यहाँ यूज होता है। इसके सिल्वर बींग हाईली मेलिएबल, सिल्वर काफ़ी ज़्यादा मेलिएबल है, क्योंकि मेलिएबल मतलब क्या, उसको हम थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैन बी कन्वर्टेड इंटू वेरी थिन फॉइल्स विच आर यूज फॉर कन्वर्टेड इंटू थिन फॉइल विच आर यूज फॉर डेकोरेटिंग फूड आइटम, डेकोरेटिंग फूड आइटम मिठाई में देखिएगा आप लगा रहता है सिल्वर का ही वो रहता है। सोचिए वो कितना पतला हो सकता है, सोचिए आप मिठाई पे कितना पतला चांदी का जो परत रहता है कितना पतला रहता है, वो इतना पतला में आप मेटल को कन्वर्ट कर सकते हैं, सभी को नहीं। सिल्वर इज़ अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट इट इज़ नॉट कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फिटिंग बिकॉज इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ये भी मैंने आपको बताया था लेक्चर 2 या 3 में, जो सिल्वर तो हमारा वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ही, बट इसे हम यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारा काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ओके सिल्वर एंड गोल्ड वायर आर नाउ हाउएवर यूज फॉर हाई प्रिसिजन इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट इन कंप्यूटर। जो सिल्वर और गोल्ड है वो थोड़ा सा कंप्यूटर में जो होता है, कंप्यूटर में हमें आ रहा है यूज़ किया जाता है सिल्वर और गोल्ड थोड़ा थोड़ा। ओके थोड़ा थोड़ा क्या मतलब, मैं आप कह सकता हूँ जिस कुछ ऐसा सर्किट रहता है जहाँ पे सिल्वर गोल्ड का यूज़ किया जाता है इन कंप्यूटर्स। अब कहते हैं यूज ऑफ एलॉय, अब सबसे पहले हम जानेंगे एलॉय हमारा होता क्या है। ओके तो देखिए बिसाइड्स बींग यूज इन देयर प्योर फॉर्म, मेटल्स आर ऑल्सो ऑफन यूज इन द फॉर्म ऑफ अदर देयर एलॉयज। अब एलॉय को देखते हैं, एंड एलॉय इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो एलॉय हमारा देखिए क्या होता है, एलॉय हमारा ये होता है, सपोज करिए ये हमारा मेटल, ये मेटल ए है, ये मेटल बी है, जब इसको मिक्स करेंगे तो ये हमारा एलॉय बना देगा। ओके ये हमारा मेटल है, प्लस अगर हम कोई नॉन मेटल मिक्स करते हैं जो इससे मिक्स हो सके और होमोजीनियस फॉर्म में रहे, ये भी हमारा एलॉय बनाता है। तो ये दो केसेस है जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। ओके अब जो है हमारा ध्यान देने वाला इधर इधर आप देखिए क्या हम ध्यान देंगे, By adding appropriate amount of other metal or non-metal to form an alloy, the properties of a given metal can be significantly modified. Alloys are generally stronger, harder and more resistant to corrosion. तो ये alloy का कुछ property है, ये आप हेडलाइट कर लीजिए copy में book में अपने। Alloys are generally stronger, harder and more resistant to corrosion. Okay, अब कुछ यहाँ पे alloy हमें बताया गया है, पहले प्योर फॉर्म मेटल्स, यूज ऑफ सम कॉमन एलॉयज आर मेंशन इन टेबल, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है तो इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। देखिए स्टील, स्टील आप जो सोच रहे हैं वो सिर्फ हमारा आयरन का ही नहीं रहता है, देखने में तो लगेगा भाई ये आयरन है हमारा, लेकिन वो आयरन का ही नहीं रहता है, वो आयरन और कार्बन के फॉर्म में रहता है। आयरन प्लस कार्बन किया जाता है इन अप्रोप्रिएट अमाउंट, तो उसको अब यूज कहाँ जाता है, कंस्ट्रक्टिंग मटेरियल्स, कंस्ट्रक्शन में रॉड वूल सब जो रहता है वो हमारा क्या स्टील का ही रहता है। मशीन्स पार्ट में भी हमारा यूज़ किया जाता है। अब कहते हैं स्टेनलेस स्टील, अब स्टेनलेस स्टील क्या हो गया, स्टेनलेस स्टील में देखिए आयरन, क्रोमियम, निकल, आप इसका यूज़ कहाँ पे जाता है, कुकिंग यूटेंसिल, सर्जिकल इम्प्लीमेंट्स, इसी तरह आप पढ़ सकते हैं। ये ब्रास मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो ब्रास है और ये ब्रॉन्ज जो है ये काफ़ी बार पूछा गया है। ओके और ये काफ़ी आगे भी काम आता है ब्रास का, इसलिए आप इसको तो खास करके जान लीजिए। कॉपर जिंक, ब्रास जो रहता है कॉपर जिंक, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है इसलिए ये भी आपको जानना, बहुत सारे पॉइंट्स हैं इसको जानने के लिए।
तो लेकिन एग्जाम में भी ये काफ़ी बार पूछे गए, इसलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ब्रास जो कॉपर जिंक से रहता है, इसको कुकिंग यूटेंसिल, डेकोरेटिव स्टेटस, नट्स एंड बोल्ट्स में आप यूज़ कर लीजिए, नट्स एंड बोल्ट्स। ब्रॉन्ज जो कॉपर प्लस टिन रहता है, वो कुकिंग यूटेंसिल, डेकोरेटिव आइटम्स, मेडल्स, जो आपका मेडल बना रहता है, मेडल वो क्या, वो कॉपर प्लस टिन का रहता है। ओके, स्टैचूज मूर्ति बनाने में हमारा काम आता है। जर्मन सिल्वर, कॉपर प्लस, जिंक प्लस, निकल, टेबल वेयर, ड्यूरेनियम, एल्युमिनियम प्लस, कॉपर प्लस, मैग्नीशियम प्लस, मैग्नीस, एयरक्राफ्ट बॉडीज, ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स, अंडर सी वेसल्स, एलिनिको, इसका जो यूज होता है एल्युमिनियम प्लस, निकल प्लस, कोबाल्ट मैग्नेट बनाने के लिए। तो ये भी मैग्नेट का है, एक काफ़ी विशेष अलग है, तो इसको भी ध्यान में रख लीजिए, एल्युमिनियम को मैग्नेट बनाने में काम आता है। ओके, अब गन मेटल, गन मेटल जो रहता है हमारा वो क्या चीज़ का रहता है, कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक, गन बैरल्स में यूज़ किया जाता है। तो ये कुछ है, आपको इसे बस पढ़ लेना, कुछ खास इसमें दिया नहीं हुआ है। अब यूज ऑफ नन मेटल पढ़ने के बाद जो हमारा होगा ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। ओके, तो चलिए हम देखते हैं यूज ऑफ नन मेटल हमारा कहाँ पे होगा। कहता है सम ऑफ द कॉमन यूज ऑफ ऑयल्स ऑफ सम ऑफ द वेल नोन नन मेटल्स आर गिवन बिलो। नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ सीड्स एंड प्लांट्स। देखिए नाइट्रोजन जो होता है वो हमारा काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर फर्टिलाइजर इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड सीड्स। फॉस्फोरस इज यूज फॉर मैच बॉक्स इंडस्ट्री इन द फर्टिलाइजर्स। फॉस्फोरस हमारा मैच बॉक्स, वो जो माचिस का तिल्ली रहता है उसमें क्या फॉस्फोरस ही रहता है ना, फॉस्फोरस मैच बॉक्स में काम आता है और फर्टिलाइजर एग्रीकल्चर में भी काम आता है। आयोडीन इज यूज फॉर एंटीसेप्टिक, आयोडीन जो हमारा होता है वो एंटीसेप्टिक में काम आता है काफ़ी सारे मेडिसिन में। ओके, सल्फर इज यूज फॉर मेकिंग फायर क्रैकर, गन पाउडर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फर हमारा इसमें फायर फटाकों में काम आता है, गन पाउडर में, गोली बनाने में और सल्फ्यूरिक एसिड में, तो सल्फर फॉर सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है जिसे आप याद कर लीजिए, कम से कम 5 यूज ऑफ नॉन मेटल्स। डायमंड अ फॉर्म ऑफ कार्बन यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इन कटिंग ऑफ ग्लास, फॉर ग्राइंडिंग टूल्स। तो एक बात जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है इस पैराग्राफ से, इसमें क्या देखिए, इसमें क्या कहें, डायमंड इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ये तो कॉमन बात है, पर इन कटिंग ग्लास, देखिए कोई भी अगर आप ग्लास को, आईना का जो ग्लास रहता है आप उसको नहीं काट सकते हैं, फोड़ सकते हो, पर काटने के लिए उसके लिए आपको डायमंड चाहिए। एक नाइफ रहता है उस पर डायमंड का हल्का पतला सा जो रहता है चमड़ी उस पर चढ़ाया जाता है, डेट्स वाई, क्योंकि डायमंड तो काफ़ी ज़्यादा महंगा, तो इसलिए आप डायमंड से डायरेक्ट काट नहीं सकते, हर किसी के पास ये पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए किया जाता है। ग्रेफाइट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन यूज फॉर बैटरीज इन अ पेंसिल्स। ओके, बैटरीज और पेंसिल में ग्रेफाइट हमारा यूज़ किया जाता है। आगे ये हमारा एलॉय, ये सब जो है कीवर्ड्स, इसे आप पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ खास दिया नहीं है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर में है हमारा, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा लेक्चर 4 बनने वाला है, वो हमारा बनेगा इस पे पूरा, इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर, इसमें मैं आपको बता दूंगा आंसर, मैं आपको टिक लगा दूंगा, आंसर आपको लिखना होगा। ओके, तो थैंक यू, आप लेक्चर 3 हमारा ख़त्म होने वाला है, लेक्चर 4, लेक्चर 5 भी ख़त्म हो जाएगा, तो फिर हमारा ये चैप्टर पूरा कम्प्लीट हो जाएगा।